वैज्ञानिक कारण श्रृंखला में आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि 100 केजी कॉटन या 100 केजी आयरन में से कौन ज्यादा भारी होगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह जो क्वेश्चन है हमारे 9th क्लास में साइंस के अंतर्गत पढ़ाया गया है, वह एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हूबहू हमने यहां लिखा है और इसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन वायर व्हिच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 केजी व्हेन मेजर्ड ऑन ए वेइंग मशीन। कहता है कि जब एक वेइंग मशीन पर, वजन तौलने वाली मशीन पर हम एक बैग कॉटन और एक बैग आयरन वायर को जब वजन करते हैं तो दोनों का वजन 100 केजी आता है। फिर कहता है आगे, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इन दोनों में से एक हैवियर है जबकि दोनों का वजन 100 केजी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दोनों है वास्तविक रूप से बराबर नहीं है। और उसी में अब पूछा जा रहा है, कैन यू से व्हिच वन इज हैवियर एंड व्हाई। तो आप बताएं कि इसमें से कौन हैवियर है और क्यों हैवी है। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम, यह एक वेइंग मशीन है और यह एक वेइंग मशीन और ले लेते हैं। एक वेइंग मशीन पर कॉटन का वजन किया गया है, सपोज इस पर हम कॉटन रख लेते हैं, यह हमारा कॉटन है और दूसरे वेइंग मशीन पर आयरन, आयरन का वजन किया गया है और दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, जो इस वेइंग मशीन का रीडिंग आ रहा है वह क्या आ रहा है, 100 केजी आ रहा है। दोनों ही स्थिति में वेइंग मशीन पर रीडिंग हमें कितना दिख रहा है, 100 केजी दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब हम किसी वस्तु को वेइंग मशीन पर वजन करते हैं तो क्या होता है, इस पर दो फोर्स काम करता है। जब वेइंग मशीन पर किसी वस्तु का वजन किया जाता है तो उसमें दो फोर्स काम करता है, एक फोर्स नीचे की ओर काम करता है जिसे हम एमजी के बराबर होता है या हम इसे ही एक्चुअल वेट कहते हैं, और एक वजन जो होता है फोर्स वह ऊपर की ओर काम करता है जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स या वायंसी फोर्स कहते हैं। और यह जो रीडिंग होता है, यह रीडिंग एमजी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है, यानी यह जो परिणाम हमें मिल रहा है वह क्या है, यह 100 केजी एमजी और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों का डिफरेंस होता है। यानी यहां पे जो 100 केजी हमें वजन मिल रहा है वह एक्चुअल में क्या है, 100 केजी जो है यह क्या है, एक तरह का डिफरेंस है, किसका, एमजी माइनस वायंस फोर्स, इसे सी इंडिकेट करते हैं ताकि यह पता चले कि वायंस फोर्स किसका, कॉटन पर लगने वाला वायंस फोर्स है। अब इसी एमजी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल वेट। यानी यदि इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 केजी माइनस एक्चुअल वेट माइनस बायंस फोर्स अप्लाइड ऑन कॉटन। अब यदि एक्चुअल फोर्स को हम निकालना चाहें तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 100 केजी प्लस बायंस फोर्स अप्लाइड ऑन कॉटन, कॉटन पर लगने वाला बायंस फोर्स इक्वल टू एक्चुअल वेट। किसका एक्चुअल वेट ही होगा,
कॉटन का होगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को यहां हम डिराइव करें आयरन के लिए, तो भी क्या होगा कि आयरन पर mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा और इस पर हवा द्वारा लगने वाला बॉयल्स फोर्स ऊपर की ओर या अपथ्रस्ट फोर्स, तो इसे हम कर देते हैं बॉयल्स फोर्स ऑन कॉटन। तो इसका इक्वेशन हमारा क्या बनता है, जो यह 100 केजी है, सिमिलरली 100 केजी इक्वल टू mg माइनस बॉयल्स फोर्स अप्लाइड ऑन आयरन, और इसी mg को यहां भी हम क्या कहेंगे, एक्चुअल वेट कहेंगे, यानी 100 केजी इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बॉयल्स फोर्स ऑन आयरन। इसलिए एक्चुअल वेट करेंगे तो यहां भी हमें आएगा 100 केजी प्लस बॉयल्स फोर्स अप्लाइड ऑन आयरन इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ आयरन। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन यह हो रहा होगा या एक कौतूहल होगा कि बॉयल्स फोर्स कहां से आ गया, ये बॉयल्स फोर्स ऊपर क्यों आ गया। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आप यहां पे देखिए रफ में, रफ पर रिकॉल करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उत्प्लवकता का जो नियम है उसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को किसी फ्लूड में, ध्यान रहे, किसी वस्तु को किसी फ्लूड में यदि इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है, तो उसके भार में एक कमी आती है और वह कमी जो होती है उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए, डिस्प्लेस्ड किए गए फ्लूड के वजन के बराबर होता है। यानी यदि हम सपोज करें यह एक लिक्विड रखा हुआ है और इसमें हम किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः, यानी कंप्लीट रूप से डुबो दें या हाफ रूप से डुबोएं या किसी पार्शली रूप से डुबोएं, कि इसके वजन में क्या होगा, अगर यह स्केल इसके साथ लगा हुआ होगा तो जैसे जैसे हम इसे पानी में डिप करता जाएंगे इसका वजन क्या होगा, कमता जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए यह 10 केजी है, रीडिंग दिखा रहा है हवा के बाहर, तो जैसे जैसे पानी में इसे हम डुबोएंगे इसका वजन क्या होगा, कमता जाएगा, यानी यह 10 से 9.5 केजी या 9 केजी इस तरह से आता जाएगा, और तब जब तक यह पूरी रूप से डूब जाएगा तो इसके बाद इसका वजन फिक्स हो जाएगा। तो यह जो इसके वजन में कमी आया, हवा में जब इसे हम वजन कर रहे थे तो 10 केजी था और जब पानी में डुबो के कर रहे हैं तो इसके वजन में कमी हो गया, सपोज करिए 9 केजी हो गया पूरा डुबोने के बाद, तो 1 केजी जो कमी हुआ वह कमी क्या होता है, यदि यहां से इस लिक्विड को क्या हुआ कि डुबोएंगे तो यह लिक्विड बाहर डिस्प्लेस होगा और यह जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा यह भी 1 केजी के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 केजी। यानी यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो है बॉटम लाइन यही है कि यदि किसी वस्तु को किसी फ्लूड में डुबोया जाता है तो उसके वजन में एक कमी होती है जो कि फ्लूड के वजन के बराबर होता है। अब समझिए, तो यह तो लिक्विड है, अब फ्लूड में क्या होता है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में टर्म है फ्लूड, इस फ्लूड में आपको लिक्विड और गैस दोनों कंबाइंड होता है। यानी आप ऐसे समझे कि साइंस के दृष्टिकोण में लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल गैस के लिए भी लागू है और लिक्विड के लिए लागू है, जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिक्विड का लिया। अब आइए इस सिचुएशन को समझते हैं, फिर से यहां आते हैं। तो चूंकि यह जो वेइंग मशीन पर हमने कॉटन और आयरन का वजन किया है, यह कहां वजन कर रहे होंगे, एटमॉस्फेयर में रहकर वजन कर रहे हैं, नॉर्मल वातावरण में, यानी इसमें हवा है, यानी यहां पर भी बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम कर रहा है, क्योंकि जब हम कॉटन रखे हैं तो उतनी दूर का हवा को कॉटन का किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, और आयरन भी अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस किया।
इसका मतलब कि हवा डिस्प्लेस हुआ है, जब हवा डिस्प्लेस हुआ है इसका मतलब इसमें बायंस फोर्स लगेगा और यहां भी बायंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। तब या तो आपको समझ में आ गया कि इस पर बायंस फोर्स लगेगा, यह जो है बायंस फोर्स ऑफ कॉटन। अब आइए, अब देखिए एज पर डेंसिटी, डेंसिटी के अनुसार क्या है कि कॉटन का डेंसिटी आयरन के डेंसिटी की तुलना में काफी कम है। तो डेंसिटी कम रहने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जैसे कि डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा। तो 100 केजी कॉटन का जो हम बंडल बनाएंगे उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा किसके तुलना में, 100 केजी आयरन के तुलना में, क्योंकि आयरन का डेंसिटी कॉटन के डेंसिटी के तुलना में काफी ज्यादा है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब इसका क्या हुआ, कॉटन के केस में क्या हो रहा है कि कॉटन के केस में क्या हो रहा है, इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डेंसिटी कम है। तो जब डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मोर होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका मतलब यह हवा को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ज्यादा, यानी जो डिस्प्लेस्ड एयर है, डिस्प्लेस्ड एयर की अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब हवा ज्यादा डिस्प्लेस करेगा तो उस हवा डिस्प्लेस्ड एयर का वेट भी क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब वेट ऑफ डिस्प्लेस एयर, हवा हटाया ज्यादा हटाया तो उसका वजन भी ज्यादा होगा, और जब वह ज्यादा होगा इसका मतलब बायंस फोर्स ऑफ कॉटन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से यहां आप समझिए आयरन के केस में, आयरन के केस में क्या होगा, आयरन का चूंकि डेंसिटी क्या है, आयरन का डेंसिटी जो है मोर है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो डिस्प्लेस्ड एयर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और जब कम होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, लेस होगा, और जब वेट लेस होगा तो बायंस फोर्स ऑफ, या बायंस फोर्स ऑफ आयरन जो होगा, आयरन पर लगने वाला बायंस फोर्स का मात्रा भी कम होगा। अब देखिए इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि बायंस फोर्स ऑन कॉटन, कॉटन पर लगने वाला वाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू वायंट फोर्स अप्लाइड ऑन आयरन बाय एयर। अब देखिए यह चीज आपको समझ में आना जरूरी है, क्या हो रहा है, वायंट फोर्स कॉटन पर जो लग रहा है वह ज्यादा है किसके, वायंट फोर्स आयरन पर जो लग रहा है उससे। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और यह कम क्यों है, क्योंकि इसका आयरन का वॉल्यूम कम है। अब सपोज मान लीजिए यह वायंट फोर्स ज्यादा है, अब इसे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। सपोज करिए इसका वजन जो है 100 मिलीग्राम है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो वायंट फोर्स लग रहा होगा इसको हम एक कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इससे तो इसको कम ही होना है, तो मान लेते हैं इसे 80 है। अब इस दोनों वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या बनता है हमारा, 100 केजी प्लस कॉटन का क्या है, हमने लिया है 100 इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो यहां क्या बन गया, एक्चुअल वेट 100 केजी पॉइंट 100 मिलीग्राम एक्चुअल वेट आ रहा है, और यहां अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, 100 केजी प्लस 80 मिलीग्राम इक्वल टू एक्चुअल वेट, यानी 100.80 मिलीग्राम, या इसे केजी में ले लें, ग्राम में ले लें, कुछ में ग्राम में रहने देते हैं, मिलीग्राम से फिर डेसिमल आपको इसको ग्राम में कर देते हैं,
100 ग्राम, यानी 100 केजी 100 ग्राम, और यह आ गया 100 केजी 80 ग्राम। तो अब देख रहे हैं आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि कॉटन का एक्चुअल वजन कितना आ गया है 100 केजी 100 ग्राम, जबकि इसका वजन क्या आ रहा है 100 केजी 80 ग्राम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक्चुअल में कौन भारी है, कॉटन जो है हैवी है इन कंपेयर टू आयरन। और क्यों है, जो क्वेश्चन में पहला पार्ट था क्वेश्चन का, कैन यू से विचवन इज हैवियर, तो यह तो हमें स्पष्ट हो गया कि विचवन इज हैवियर, तो हम कह सकते हैं इन दिस केस कॉटन इज हैवियर, कॉटन भारी है। अगला पार्ट कहता है व्हाई, क्यों भारी है, तो इसका रीजन यह हो गया, एक लाइन में आप बता सकते हैं, ड्यू टू या और हैविंग मोर वॉल्यूम इन कंपेयर टू आयरन कॉटन इज हैवियर देन आयरन, यह इसे हम कर सकते हैं और इसे एक तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए यदि एक ऐसा प्रैक्टिकल संभव हो, हमारे पास एक ऐसी लेबोरेटरी हो जिसमें एक कमरा हो और उस कमरे में हम दो वेइंग मशीन रखें और दोनों एक पर कॉटन रखें एक पर आयरन रखें, उसकी रीडिंग 100 केजी हो। अब उस ऐसा हमारे पास व्यवस्था यदि हो कि उस कमरा से हम सभी हवा को निकाल सके, यानी उस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर सके, तो जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, क्योंकि हवा जब नहीं रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पर ही अपथ्रस्ट फोर्स लगने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब उसके द्वारा गैस रहेगा ही नहीं तो गैस का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब केवल उस स्थिति में कॉटन पर और आयरन पर दोनों पर एक ही चीज काम करता रहेगा, एक ही फोर्स काम करता रहेगा, दैट इज एमजी। अब आइए इस दृष्टिकोण से भी आप समझ सकते हैं कि आयरन भारी है। आइए थोड़ा सा इसे हम साफ करते हैं उसके बाद बताते हैं, ध्यान दिया है। अब यदि क्या है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था आ गई है कमरे के जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया जा रहा है कमरा में, जब कमरे में वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा तो देखिए जब तक कमरा में वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ था, यानी जब तक हवा था नॉर्मल कंडीशन में, यह जो इसका रीडिंग 100 केजी था, इस वेइंग मशीन का भी रीडिंग 100 केजी था, यानी यह जो 100 केजी का रीडिंग था, आइए यहां हम समझते हैं पहले कॉटन के लिए, एक के लिए जो 100 केजी रीडिंग था यह किसका रीडिंग आ रहा है, वेइंग मशीन का, वह किसका है, रिजल्टेंट है, यानी एमजी माइनस वायन फोर्स अप्लाइड ऑन कॉटन, और यह 100 केजी इक्वल टू एमजी ही क्या है, एक्चुअल वेट माइनस वाइंड फोर्स ऑफ कॉटन। सेम इक्वेशन इधर चलेगा, 100 केजी इक्वल टू एक्चुअल वेट, लेकिन किसका, ऑफ आयरन, ऐसे चलिए कर देते हैं, माइनस वाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन आयरन। अब देखिए जब हवा है तो हमने वजन किया तो 100 केजी यहां भी आ रहा है, 100 केजी आ रहा है। अब जैसे ही एक कमरे से या धीरे धीरे कमरा में वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, तो जब वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा तो क्या होगा, हवा खत्म हो जाएगा, जैसे ही हवा खत्म होगा तो बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो यहां से भी बॉयंट फोर्स क्या होगा, गायब होगा, और यहां से भी बॉयंट फोर्स क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, ड्यू टू वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होगा, अब यहां से वायंट फोर्स गायब हो जाएगा। अब देखिए अब आपको लगा होगा कि जब यहां से दोनों माइनस वाला चीज गायब हो गया तो फिर बराबर हो गया, एक्चुअल वेट 100 केजी यहां आ रहा है और एक्चुअल वेट यहां भी 100 केजी आ रहा है, नहीं। अब यहीं पर फिर समझना है आपको, यह जो 100 केजी कब आया था, देखिए यह जो अभी हम पीछे समझे, ये बायंड फोर्स कितना था, इसका वैल्यू हमने मान लीजिए कि ऐसे न्यूमेरिकली वैल्यू ले लेते हैं 100, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 80। कहने का मतलब अब देखिए समझिए, क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं कि बायंड फोर्स इसका ज्यादा था और इस पर कम था। अब देखिए यहां पर क्या है, यह 100 केजी कब आया है, देखिए समझिए बात को, एक्चुअल वेट कुछ रहा होगा, उसमें से
100 माइनस होने के बाद 100 आया है, इसका मतलब कि इसका एक्चुअल वेट कितना रहा होगा 200, तब 200 में से 100 माइनस किए हैं तब 100 आ रहा है। सेम सिचुएशन यहां करिए, या एक्चुअल वेट 100 आ रहा है कब, जब 80 माइनस हुआ है, इसका मतलब एक्चुअल में इसका वजन कितना रहा होगा 180, और तब जाकर 80 माइनस हुआ है तब यह 100 के बराबर आया है। तो जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो बायंड फोर्स माइनस करने का मतलब हमने 100 माइनस कर दिया और यहां कितना किया 80 किया, तब हमारे पास अब कितना बचा एक्चुअल वेट 200 केजी और यहां कितना बचा 180 केजी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि देखिए अब स्पष्ट हो चुका कि कॉटन जो है हैवियर है इन कंपेयर टू आयरन।